हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। तो यस, अब तक हम लोग ने पूरा थियोरेटिकल जो भी आपको एक्सप्लेनेशन था वो मैंने दे दिया है। तो आज के टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, नहीं, हम लोग ये लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के लिए क्या क्या डेटा हमें जानना ज़रूरी है उसके बारे में पहले देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। यस, तो एक टेबल दिखाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। यस, ये है वो टेबल। क्या ये टेबल आपके लिए फेमिलियर है? मैं बोलता हूँ हाँ, ये टेबल आपके लिए फेमिलियर है। क्यों फेमिलियर? मैंने दिखाया है आपको ये टेबल। कब दिखाया है? जब हम लोग डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे तभी आपको मैंने ये टेबल के बारे में दिखाया था। बिल्कुल सही। अब इस टेबल को इन डेप्थ जानेंगे हम लोग। तो यस, फिलहाल के लिए आपके लिए तीन वर्ड्स फेमिलियर है, ये WCB, ये RB और ये क्वाड्रेंट। यस, ये वर्ड्स आपके लिए फेमिलियर है। यस, बिल्कुल है, आपको मैंने ये सिखाया है क्या होता है। तो एक क्विक रिकैप दे देता हूँ मैं आपको कि WCB और RB क्या होता है। तो सबसे पहले WCB के पास जाते हैं। मैंने क्या बताया था WCB में? WCB इज अ होल सर्कल बेरिंग विच इज मेजर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। बिल्कुल सही। कैसे मेजर करते हैं हम लोग? फ्रॉम नॉर्थ डिरेक्शन से क्लॉकवाइज डिरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं। कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखो, हम लोग हमेशा WCB कैसे मेजर करते हैं? अगर ये नॉर्थ बोलता हूँ मैं तो हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज डिरेक्शन में मेजर करते हैं और फ्रॉम नॉर्थ। यस, बिल्कुल सही। यस, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ WCB मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा कंपास यूज करते हैं? यस, हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं। बिल्कुल सही। अभी हम लोग रेड्यूस्ड बेरिंग दैट इज RB, RB को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? QB, दैट इज क्वाड्रेंटल बेरिंग। बिल्कुल सही। यस, दोनों क्या होता है? सेम होता है, मैंने आपको कहा था। तो अभी RB दैट इज रेड्यूस्ड बेरिंग का हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यस, रेड्यूस्ड बेरिंग के बारे में आपको क्विक रिविजन दे देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ रेड्यूस्ड बेरिंग मुझे कोई मेजर करने बोले तो मैं क्या बोलता हूँ? कुछ पॉइंट्स रहते हैं, आपको याद दिला देता हूँ कि रेड्यूस्ड बेरिंग जो है वो हमेशा 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि रेड्यूस्ड बेरिंग अगर आपको मेजर करना है, किसी भी लाइन का रेड्यूस्ड बेरिंग अगर मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? इधर फ्रॉम नॉर्थ डिरेक्शन, एक तो नॉर्थ डिरेक्शन से या फिर साउथ डिरेक्शन से हम लोग मेजर करते हैं। बिल्कुल सही। कैसे मेजर करते हैं? एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में। बिल्कुल सही। यस, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, यस, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। बिल्कुल सही। यस, इसे मैंने नाम कैसे दिया था आपको अगर याद होगा तो मैं इस क्वाड्रेंट को नाम क्या बोलूंगा, इस क्वाड्रेंट का नाम क्या लिखूं मैं? यस, मैं इस क्वाड्रेंट को बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, NE। बिल्कुल सही। यस, अगर ये ईस्ट डिरेक्शन है, ये वेस्ट डिरेक्शन है तो मैं इस क्वाड्रेंट को नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये याद नहीं रखना है आपको, ठीक है, इसे मैं नॉर्थ ईस्ट बोलता हूँ। सिमिलरली मैं इस क्वाड्रेंट को क्या बोलूंगा? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट बोलूंगा। बिल्कुल सही। सिमिलरली मैं इस क्वाड्रेंट को क्या बोलूंगा? SW, दैट इज साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट बोलूंगा। सिमिलरली मैं फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या बोलूंगा? साउथ ईस्ट, दैट इज SE। बिल्कुल सही। यस, ये हम लोग ने जाना था किसमें? रेड्यूस्ड बेरिंग के बारे में। यस, तो अभी इस टेबल के थ्रू मैं आपको क्या जानकारी देना चाहता हूँ वो अभी हम लोग उसके ऊपर देखते हैं। बिल्कुल सही। चलो, तो मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट केस है मेरे पास। यस, ये फर्स्ट है, मैं सारी इंक इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ अभी आपको फर्स्ट केस पे ध्यान देना है, मतलब ये वाले केस में क्या कहा है उन्होंने कि WCB जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा, कोई भी एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में, कोई भी एंगल 45, 60, 75, 80 कुछ भी, तो उन्होंने क्या कहा है, रेड्यूस्ड बेरिंग जो होगी वो इक्वल टू WCB होगी। क्या कहा मैंने? अगर मेरा WCB है 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में और अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई रिड्यूस्ड बेरिंग निकाल के दिखाओ, तो मैं रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे निकालूंगा? रिड्यूस्ड बेरिंग इक्वल्स टू WCB। यस, और क्वाड्रेंट क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं। आइए यहाँ पर, यस, मैं बोलता हूँ ये मेरा है क्वाड्रेंट सिस्टम। बिल्कुल सही। यस, ये है साउथ डिरेक्शन, ये है वेस्ट डिरेक्शन, ये है ईस्ट डिरेक्शन एंड दिस इज आवर नॉर्थ डिरेक्शन। ओके, मैंने क्या कहा है, WCB मेरा किसके बीच में है? यस, WCB मेरा किसके बीच में है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। मैं कोई भी एंगल अज्यूम करता हूं, आप कोई भी एंगल अज्यूम कीजिए 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में, मैं कौन सा अज्यूम करूंगा? मैं 60 डिग्री अज्यूम करता हूं। यस, मैं बोलता हूं WCB इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब इसे मुझे क्वाड्रेंटल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेंटल बेरिंग में। तो यस, 60 डिग्री अगर मैं WCB है तो मेरा 60 डिग्री WCB कहां पर आएगा? यस, यहां पर कहीं पर तो आएगा। यस, मैं एक्यूरेटली नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं। कैसे मुझे समझा?
कि ये ए बी है, समझ लो ये लाइन ए बी है, तो इसका डब्ल्यू सी बी है 60 डिग्री, ठीक है। तो डब्ल्यू सी बी 60 डिग्री है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में। कैसे समझा, मैंने आपको बोला था कि जब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो होता है 0 डिग्री, फिर यहां पर जाते हैं हम लोग 90 डिग्री, ये सब मैंने कहा है आपको, उसके बाद 180 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 270 डिग्री एंड द लास्ट विल बी यस क्या होगा 360 डिग्री, जो कि हमारा सर्कल होता है, बिल्कुल यस 360 डिग्री। ये सब मैंने आपको बताया है पहले भी, यस मैंने बताया आपको, फिर से एक बार जस्ट रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओके। सो मुझे बोला गया है कि डब्ल्यू सी बी 60 डिग्री है तो रिड्यूस्ड बेरिंग दैट इज क्वाड्रेंटल बेरिंग क्या होगा, तो यस क्या कहा है टेबल ने मुझे, मैं टेबल की तरफ जाता हूं कि डब्ल्यू सी बी अगर मेरा 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में है तो मेरा रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगा, रिड्यूस्ड बेरिंग विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, बिल्कुल सही। तो यस यहां पर आइए, मुझे मेरा आंसर मिल गया है कि रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगा मेरा, यहां पर मैं लिख देता हूं कहीं पर, यस यहां पर ध्यान दो, यस मेरा रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगा, यस मेरा रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगा, विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, बिल्कुल सही। यहां पर एक लाइन खींच देता हूं जस्ट डायवर्जन के लिए, इसी का आंसर है वो, ठीक है। तो यस आरबी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी, मतलब आरबी का वैल्यू क्या होगा, यस आरबी का वैल्यू क्या होगा, मेरे क्या लिया था मैंने डब्ल्यू सी बी 60 डिग्री, तो आरबी का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री, बिल्कुल सही। ये हो गया मेरा फर्स्ट केस, क्या ये मेरा हो गया फर्स्ट केस, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, अभी नहीं बताया था, पहले बार बताया था, अभी मैंने रिवीजन के वक्त नहीं बताया था, ठीक है। क्या नहीं बताया था कि रिड्यूस्ड बेरिंग हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, क्वाड्रेंट्स के सिस्टम में लिखते हैं। तो यहां पर आइए, टेबल में मुझे बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है, टेबल छोड़िए आप यहां पर भी देखोगे तो यस अगर ये लाइन इस पॉइंट पे आ रहा है दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नॉर्थ ईस्ट। तो यस मैं यहां पर आरबी का वैल्यू लिख देता हूं नॉर्थ ईस्ट, समझ में आ गया, यस समझ में आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस की तरफ जाते हैं, ठीक है, आइए यहां पर सेकेंड केस हमें क्या बोलता है देखते हैं, ओके। सेकेंड केस मुझे बोलता है अगर डब्ल्यू सी बी 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में होगा तो क्या करना है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल ले लो, तो डब्ल्यू सी बी अगर मेरा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल में होगा तो मैं रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे कैलकुलेट करूंगा, 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, और मेरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट होगा। आई एम श्योर कि आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई आपने 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, अच्छा मतलब सर ये टेबल हमें पूरा रट्टा मारना है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। देखो अगर आपको नहीं समझ रहा होगा तो मैं आपको कंसेप्चुअली भी बता रहा हूँ, ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ रहा होगा तो मेरा वीडियोस बार बार देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ रहा होगा तो ये टेबल याद कर लीजिए, ठीक है। देखो मेरा फर्ज बनता है कि मैं दोनों कंसेप्चुअली भी जाऊँ, और अगर आपको नहीं समझ रहा तो आप लोग रट्टा भी मार सकते हैं, बट मैं तो कंसेप्चुअली जाता हूँ, ठीक है, आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, हर एक चीज़, ओके। सो अभी मैं क्या बोलता हूँ, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है मेरा एंगल, तो मेरा रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं हम लोग, यस। तो यहाँ पर आइए, ओके यस, थोड़ा बड़ा फिगर होगा ये टाइम, ओके यस, ये फिगर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये क्या है, ठीक है, ये है वेस्ट, वो था ईस्ट, ये है साउथ, ठीक है, ओके, और ये है नॉर्थ, ये सॉरी नॉर्थ रह गया था मेरे से। तो सीधा एग्जांपल की तरफ जाते हैं, मैं बोलता हूं 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में मुझे डब्ल्यू सी बी लेना है, आप कोई भी अस्यूम कर लीजिए, मैं डब्ल्यू सी बी का वैल्यू क्या अस्यूम करूंगा, मेरा डब्ल्यू सी बी इक्वल्स टू कितना होगा, 150 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है, ये सर है 180 डिग्री के बीच में है, दैट इज 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ऊपर है, बिल्कुल सही। तो ये है मेरा डब्ल्यू सी बी। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताइए मुझे कि ये डब्ल्यू सी बी मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में आएगा, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कि साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आएगा, थोड़ा सोचिए और आप लोग बताइए। अगर आप लोग ने आंसर कैलकुलेट किया तो बहुत सही चीज है, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि जब मैं यहाँ इस नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जाता हूँ तो मेरा होता है 90 डिग्री, फिर ईस्ट से साउथ क्या होता है 180 डिग्री, फिर साउथ से वेस्ट जाता हूँ तो 270 डिग्री, यस ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो यहाँ पर ये होता है मेरा 0 डिग्री, देन इधर होता है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, फिर इधर कितना होता है मेरा, यस 180 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर कितना होता है मेरा, यस 270 डिग्री, बिल्कुल सही, और एट द एंड क्या होता है मेरा पूरा होल सर्कल दैट इज 360 डिग्री, बिल्कुल सही, ओके। तो अब आप लोग ही बताइए मुझे, अगर डब्ल्यू सी बी मेरा 150 डिग्री है तो कहां पर आएगा वो लाइन, यस मैं बोलता हूं यहां पर आएगा वो लाइन,
यहाँ पर, बिल्कुल सही, समवेयर ओवर हियर, एक्यूरेटली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और डब्ल्यूसीबी में हमेशा कैसे मेजर करता हूँ देख लो, डब्ल्यूसीबी में हमेशा क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन मेजर करता हूँ। तो ये वैल्यू कितना हो गया मेरा, यस ये हो गया मेरा 150 डिग्री, ठीक है, ये हो गया मेरा 150 डिग्री, बिल्कुल सही। अब मुझे कोई बोलता है कि भाई इसका क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालो, दैट निकालो, दैट इज रेड्यूस्ड बेयरिंग निकालो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए कि इस लाइन का अगर मुझे रिड्यूस्ड बेयरिंग निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। रिड्यूस्ड बेयरिंग्स का पॉइंट याद कीजिए, क्या होता है रिड्यूस्ड बेयरिंग का पॉइंट्स, कि भाई नॉर्थ या फिर साउथ से जिस भी पॉइंट से लाइन नजदीक होगी उस लाइन से हमें वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग मेजर करनी होती है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक लाइफ हैक दिया था कि अगर मेरा लाइन नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो मैं हमेशा क्वाड्रेंटल बेयरिंग नॉर्थ साइड से मेजर करूंगा। अगर मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में अगर मेरा लाइन होगा तो मैं कैसे मेजर करूंगा, यस मैं कहां से मेजर करूंगा, मैं साउथ से मेजर करूंगा, एक तो क्लॉकवाइज करूंगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही, ओके। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि इस लाइन का क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या होगा, दैट इज रिड्यूस्ड बेयरिंग कितना होगा, यस यहां पर देखो साउथ से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक मेरा क्या होगा, रिड्यूस्ड बेयरिंग होगा। समझ में आ रहा आपको, यस समझ में आ रहा आपको, ये इतना अगर मेरा रिड्यूस्ड बेयरिंग मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, यस फॉर्मूला तो है टेबल में, क्योंकि पेपर में अगर आप लोग फॉर्मूलाज भूल गए तो क्या हो सकता है आप लोग वो सम सॉल्व नहीं करोगे, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आई एम 100% श्योर कि आप लोग वो सम सॉल्व कर दोगे, यस। तो यहां पर देखते हैं ये रिड्यूस्ड बेयरिंग कैसे कैलकुलेट करना होगा मुझे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर, यस थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर, मुझे एक बात पता है कि यहां ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, मतलब क्या अगर मैं इस पॉइंट से मेजर करता हूं तो यस मुझे पता है यहां तक मेरा बेयरिंग क्या है, बेयरिंग दैट इज एंगल, बेयरिंग को एंगल बोल सकते हो, यस बेयरिंग क्या है यहां पर मेरा 180 डिग्री है, 180 डिग्री टोटल, यस कहां से नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर साउथ डायरेक्शन तक क्या है 180 डिग्री है मुझे पता है। तो अब आप लोग थोड़ा सोचिए कि मुझे क्या प्लॉट करना है, ये रिड्यूस्ड बेयरिंग दैट इज साउथ से लेकर इस लाइन तक का ये एंगल मुझे चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा देखो, यस यहां पर ध्यान दो, अगर मैं पूरे 180 डिग्री में से, अगर मैं पूरे 180 डिग्री में से, दैट इज पूरा यहां से यहां तक में से मैं इतना 150 अगर माइनस करता हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मुझे इतना एंगल मिलेगा, यस और यही मुझे चाहिए, यस मैंने क्या बोला देखो, जो बोला वो मैं लिख के दिखा दूं आपको, यस ध्यान दो, ओके मैंने क्या कहा, मेरा रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा, यस मेरा रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा, ध्यान दो मेरा रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा, 180 डिग्री माइनस अगर मैं डब्ल्यूसीबी करूं, यस माइनस अगर मैं डब्ल्यूसीबी करूं तो क्या मुझे ये रिड्यूस्ड बेयरिंग मिल जाएगा, मतलब ही क्या करूंगा मैं, देखो वैल्यूज के साथ में डालता हूं आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा कि 180 डिग्री सर कहां से मिला, देखो 180 डिग्री मुझे पता था कि यहां पर 0 डिग्री है यहां पर 90, तो साउथ तक मेरा 180 डिग्री होगा, यस तो यहां से दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 180 डिग्री है ये मुझे पता था, तो मैंने 180 डिग्री लिख दिया माइनस डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या अज्यूम किया, मैंने डब्ल्यूसीबी अज्यूम किया है 150 डिग्री, तो मैं 180 डिग्री माइनस 150 करता हूं, यस माइनस 150 डिग्री करता हूं, मुझे आंसर क्या आएगा 30 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही। तो मेरा रिड्यूस बेयरिंग क्या हो गया 30 डिग्री, क्या ये सही है, नहीं क्यों नहीं सही है, क्योंकि मैंने अब तक क्वाड्रेंट्स नहीं दिए हैं, बिल्कुल सही। अब डायग्राम पे आइए, डायग्राम पे आपको क्या लगता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, मैं बोल सकता हूं साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट है, ये लाइन जो है ये लाइन ए बी जो है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, यस मैं बोल सकता हूं कि साउथ ईस्ट में है, बिल्कुल सही, यस तो मैं लिखता हूं यहां पर साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। अब टेबल में आइए देखिए क्रॉस चेक कर लीजिए कि वैल्यू राइट है कि नहीं, यस साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट और 180 डिग्री माइनस डब्ल्यूसीबी यही फॉर्मूला हम लोग ने यहां पर यूज किया है, कैसे यूज किया कंसेप्ट आपके सामने है, बिल्कुल सही। क्रॉस चेक करना होगा तो ध्यान दीजिए कि मैंने बोला था रिड्यूस्ड बेयरिंग का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, क्या यहां पर 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में है, यस है, तो यस हमारा आंसर भी बराबर राइट है।
अगर मुझे फिर भी फॉर्मूला में, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला याद रखता और समझ लो मैं डब्ल्यू सी भी माइनस 180 डिग्री करता तो मुझे आंसर रॉन्ग आता, मेरा सम गलत हो जाता। बट मैंने क्या किया, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया। तो ये डायग्राम अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आई एम श्योर कि आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड केस देखते हैं हम लोग। यस, तो थर्ड केस क्या बोला है मुझे, यहाँ पर आइए। थर्ड केस मुझे बोला है मेरा डब्ल्यू सी बी दैट इज होल सर्कल बेरिंग किसके बीच में है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री के बीच में जब होगा, कोई भी एंगल 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होगा, तो मैं रिड्यूस्ड बेरिंग क्या लूंगा, डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में होगा। नहीं समझा, कोई बात नहीं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आइए तो यस ये डायग्राम देखते हैं हम लोग वापस से, फिर से हम लोग अच्छी तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ध्यान दो, यस इस टाइम और थोड़ा बड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। यस ध्यान दो, ओके यस नेमिंग्स तो एटलीस्ट आपको इतना तो अब तक पता होना ही चाहिए कि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये है नॉर्थ। बिल्कुल सही, मुझे क्या कहा गया है, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में कोई भी डब्ल्यू सी बी ले लो। ठीक है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या लोगे, मैं कौन सी लूंगा, मैं 250 डिग्री लेता हूं। क्या मैं बोलता हूं, मेरा डब्ल्यू सी बी क्या है, यस मेरा डब्ल्यू सी बी क्या होगा, 250 डिग्री। क्यों, क्योंकि मुझे टेबल में बोला गया है, यस क्या बोला गया है कि 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में कोई भी अज्यूम कर लो, आप लोग भी कोई भी अज्यूम कर लो। मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने 250 डिग्री अज्यूम किया है। अब देखो, यस मुझे पता है यहां पर 0 डिग्री, मुझे पता है यहां पर 90 डिग्री, मुझे पता है यहां पर 180 डिग्री, मुझे यहां पर पता है 270 डिग्री और मुझे यहां पर पता है दैट इज कंप्लीट सर्कल दैट इज 360 डिग्री। बिल्कुल सही, इतना पता है आपको, यस ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, मेरा डब्ल्यू सी बी किसके बीच में है, 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पर 180 डिग्री है, यहां पर 270 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर मेरा डब्ल्यू सी बी दैट इज 250 डिग्री होगा। तो यस यहां पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं, तो ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी ए बी। ठीक है, तो इसका डब्ल्यू सी बी क्या है, 250 डिग्री। डब्ल्यू सी बी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, फिर से देखो डब्ल्यू सी बी कैसे मेजर करते हैं, नॉर्थ से लेकर क्लॉकवाइज डिरेक्शन में उस लाइन तक का जो बेरिंग होगा वो होगा हमारा डब्ल्यू सी बी, और हमारा डब्ल्यू सी बी क्या है, यस क्या है हमारा डब्ल्यू सी बी, 250 डिग्री। तो यस यहां पर मैं 250 डिग्री लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, चलो यस, तो ये मेरा 250 डिग्री मुझे पता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं कि इस लाइन का क्वाड्रेंटल बेरिंग चाहिए, तो क्वाड्रेंटल बेरिंग आप लोग कैसे मेजर करोगे, कैसे मेजर करते हैं हम लोग, एक तो नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन से, इधर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, बराबर। तो मैंने आपको लाइफ हैक में क्या कहा था, अगर मेरा लाइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में होगा तो मैं नॉर्थ से मेजर करूंगा, अगर मेरा लाइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा तो मैं यस साउथ से मेजर करूंगा। वह बोलोगे तो सर अगर साउथ से तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, क्वाड्रेंटल बेरिंग हम लोग क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मेजर कर सकते हैं, क्वाड्रेंटल बेरिंग बोलो रिड्यूस्ड बेरिंग बोलो दोनों सेम होता है, डब्ल्यू सी बी सिर्फ अलग होता है। ठीक है, फिर से मैंने बता दिया ये आपको। तो मैं क्या बोलता हूं, मुझे क्वाड्रेंटल बेरिंग चाहिए, मतलब मुझे कौन सा बेरिंग चाहिए, ये इतना, यस ये होगा मेरा क्वाड्रेंटल बेरिंग या फिर रिड्यूस्ड बेरिंग। तो मैं यहां पर इसे आरबी लिख देता हूं, आरबी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर देखो टेबल में भी आरबी लिखा है, आपको वापस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे आरबी आप लोग कैलकुलेट करके दोगे, कैसे करोगे कैलकुलेट मैं बताता हूं। यस मुझे एक बात पता है, कौन सी बात पता है मुझे, जो आपको भी पता है लेकिन आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो, कौन सी बात पता है मुझे कि यस ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। बिल्कुल सही, तो आप बोलोगे हाँ तो सर उसके आगे क्या, उसके अलावा भी कुछ बोलिए, आप लोग यही आप कब से यही बोल रहे हो। ध्यान दो, मैं क्या कहता हूं, अगर मुझे ये पता है, यस अगर मुझे ये पता है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिड्यूस्ड बेरिंग। तो इस रिड्यूस्ड बेरिंग को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए थोड़ा सोचिए। मैं बोलता हूं यस मैं बोलता हूं कि मुझे यहां तक पता है कि इस पॉइंट से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, 180 डिग्री है सर, 180 डिग्री कितना है, 180 डिग्री। यस बिल्कुल सही, ये मुझे पता है कैसे, ये 0 डिग्री,
ये 90 डिग्री इस लाइन तक और इस लाइन तक, दैट इज साउथ लाइन तक कितना है 180 डिग्री, बिल्कुल सही। तो अगर मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए तो आप लोग थोड़ा सोचिए, ये 250 डिग्री में से अगर मैं 180 डिग्री माइनस करता हूं, दैट इज इतना पूरा सर्कल, दैट इज यहां से लेकर इस पॉइंट तक में से मैं 180 डिग्री अगर माइनस करूंगा तो क्या मुझे इतना इतना बेरिंग मिल सकता है? यस, क्या मुझे इतना बेरिंग मिल सकता है? माफ करना मुझे थोड़ा इंक आ गया था। यस, तो क्या मुझे इतना बेरिंग मिल सकता है? नहीं समझा है कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पर लिख के देता हूं। क्या बोला मैंने, देखो, आरबी विल बी डब्ल्यू सी बी, यस डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री, यस माइनस 180 डिग्री। कैसे किया मैंने, ये डब्ल्यू सी बी है मेरे पास, क्या लिखा है मैंने डब्ल्यू सी बी, तो डब्ल्यू सी बी कितना है 250 डिग्री, तो चलो भाई लिख देते हैं 250 डिग्री। यस, ये 250 डिग्री लिख दिया, माइनस 180 डिग्री, यस ये माइनस 180 डिग्री भी लिख दिया। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, यस आप लोग थोड़ा सोचिए, आपको आंसर क्या आएगा? यस 70 डिग्री आंसर आएगा बोलता हूं मैं। यस क्या आएगा आंसर? 70 डिग्री आएगा, बिल्कुल सही। तो क्या ये मेरा रिड्यूस्ड बेरिंग हो गया? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिड्यूस्ड बेरिंग हम लोग हमेशा किसमें लिखते हैं? क्वाड्रेंट्स में। तो ये लाइन किस क्वाड्रेंट में है? साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, साउथ वेस्ट इस क्वाड्रेंट में, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या हमारा? साउथ वेस्ट। तो यस यहां पर मैं लिख देता हूं साउथ वेस्ट। अब हम लोग ने जो कैलकुलेट किया हुआ आंसर है और जो फॉर्मूला यहां पर लगाया है वो राइट है कि नहीं देखते हैं। आइए, यस क्या बोला था? आरबी विल बी डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री, यस डब्ल्यू सी बी माइनस 180 डिग्री, बिल्कुल सही। ये इतना पूरा डब्ल्यू सी बी था, उसमें से मैंने 180 डिग्री, दैट इज इस पॉइंट तक घटाया, तो मुझे ये इतना पोर्शन मिल जाएगा। यस देखो यहां पर, अगर ये पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, इसमें से अगर मैंने इतना पोर्शन घटाया तो मैं बोल सकता हूं मुझे सिर्फ इतना पोर्शन का वैल्यू मिल जाएगा। और यस यही इतना पोर्शन क्या है मेरा? यस ये जो ब्लैक में मैंने वापस से मार्क किया है, तो यही इतना पोर्शन क्या है मेरा? थोड़ा डार्क कर दिया मैंने आपको अच्छे से दिखने के लिए, ठीक है। तो यही पोर्शन क्या है हमारा? यही हमारा आरबी है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये इतना छोटा है और ये इतना बड़ा, भाई वो एंगल है, ठीक है। एंगल अगर मैं बोलता हूँ कि देखो ये ऐसा मैं एंगल ड्रॉ करूँ और मैं इसे बोलूँ एंगल 45 डिग्री, सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ इतना और यहाँ पर, सॉरी ये डिग्री का जीरो हो गया है, आप लोग बोलोगे सर 450 डिग्री कौन सा एंगल निकाल रहे हो, इतना तो सर्कल भी नहीं होता, ठीक है। तो इसे मैं बोलता हूँ 445 डिग्री, अगर मैं उसे यहाँ पर मार्क कर दूँ और यहाँ पर 45 डिग्री लिखूँ तो क्या गलत होगा? क्या नहीं गलत होगा? क्यों गलत नहीं होगा? तो वो तो एंगल मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इतना तो आपको समझना ही चाहिए, ओके। तो यस हम लोग ने क्या कैलकुलेट कर दिया? थर्ड केस का भी कैलकुलेट कर दिया। क्या कैलकुलेट कर दिया? आरबी कैलकुलेट कर दिया। अभी लास्ट केस हम लोग देखते हैं। यस तो लास्ट केस हमें क्या बोलता है? जब मेरा डब्ल्यू सी बी होल सर्कल बेरिंग किसके बीच में होगा? 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में होगा, तो मैं रेड्यूस्ड बेरिंग कैसे कंप्यूट करूंगा? यस रेड्यूस्ड बेरिंग विल बी 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट होगा। यस नहीं समझा है कोई बात नहीं, वापस से डायग्राम पे आते हैं। यस तो यस कौन सा है हमारा डायग्राम? वापस से यही हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मुझे पता है आप लोग थोड़ा बोर हो गए रहेंगे जिन लोग को समझ गया है ये टेक्निक, बट अगर जिन लोग को नहीं समझा है तो मेरा तो फर्ज बनता है कि उन लोग के लिए भी सिखाना है, ठीक है, ओके। सो यहां पर मैं वेस्ट देता हूं, यहां पर मैं ईस्ट देता हूं, यहां पर मैं साउथ देता हूं, ठीक है, ओके। क्या कहा है? मेरा डब्ल्यू सी बी 270 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में है। आप लोग 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, मैं 300 डिग्री अज्यूम करूंगा। क्यों अज्यूम करूंगा मैं 300 डिग्री, बोलिए। यस आप बोलोगे सर आप आलसी हो इसलिए कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसा नहीं है, वो राउंड फिगर है तो मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी होगा। यस तो देखो मैं बोलता हूँ डब्ल्यू सी बी क्या है मेरा? डब्ल्यू सी बी मैं अज्यूम कर लेता हूँ 300 डिग्री। यस 300 डिग्री मैंने डब्ल्यू सी बी अज्यूम कर लिया। यस यहाँ पर मैं कुछ एंगल देता रहा, ये होता है मेरा 0 डिग्री, ये होता है मेरा 90 डिग्री, ये होता है मेरा 180 डिग्री, ये होता है मेरा 270 डिग्री, यस ये होता है मेरा 270 डिग्री, और यस पूरा सर्कल दैट इज होल सर्कल विल बी इक्वल टू यस 360 डिग्री, बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है, ओके। तो मुझे बोला गया है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में है मेरा डब्ल्यू सी बी, तो मैं क्या करता हूँ? आप लोग मुझे बताइए कि कहाँ पर आएगा मेरा जो डब्ल्यू सी बी होगा वो कहाँ पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो यस मैं बोलता हूँ मेरा इस क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे समझा? कैसे समझा इस क्वाड्रेंट में आएगा? क्योंकि देखो
यहाँ पर देखो कि अगर मेरा WCB 300 डिग्री है तो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में ये वैल्यू लाए करता है, बिल्कुल सही। तो यस ये मेरा WCB होगा क्या 300 डिग्री। अब इसे मैं मेजर कैसे करूंगा, नॉर्थ से लेकर क्लॉकवाइज डिरेक्शन में उस लाइन तक मैं मेजर करता हूं। तो यस इसका वैल्यू मैं दे देता हूं, यस क्या दूंगा इसका वैल्यू, यस क्या दूंगा इसका वैल्यू 300 डिग्री, ओके यस। तो अब मुझे बोला गया है कि इसे हमें बताइए कि इसे मेजर, अब मुझे बोला गया है कि रेड्यूस्ड बेरिंग कैलकुलेट करना है। रेड्यूस्ड बेरिंग के लिए आपको मैंने लाइफ हैक दिया था, हम लोग को पता है कि नॉर्थ या साउथ से कैलकुलेट किया जाता है, पर आपको डाउट हो सकता है सर कभी साउथ से करना है, कभी नॉर्थ से करना है, कभी क्लॉकवाइज करना है, कभी एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो मैंने एक लाइफ हैक दिया था कि अगर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो नॉर्थ से मेजर करना है, अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो साउथ से मेजर करना है। यस अगर समझ लो, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर मेरा लाइन इस क्वाड्रेंट में होता, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ऑब्वियस है मेरा नियर कौन सा है, नियर है मेरा साउथ लाइन, तो साउथ से मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, बिल्कुल सही। दैट इज अगर ये देख लो, अगर आपको फिर भी डाउट है तो यहां पर एक बार जस्ट आपको मैं दिखा देता हूं। यस अगर मेरा समझ लो लाइन समवेयर ओवर हियर है, यस तो अगर मुझे इसका क्वाड्रेंटल बेरिंग मेजर करना है तो मैं साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूंगा, बिल्कुल सही। सपोज मेरा लाइन यहां पर है, अगर मुझे साउथ से मेजर करना है तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूंगा, दैट इज थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मेरा लाइन लाई करेगा तो मैं हमेशा साउथ से मेजर करूंगा, और अगर मेरा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन लाई करता है तो उसे मैं कैसे मेजर करूंगा, यस तो उसे मैं नॉर्थ से मेजर करूंगा, सिमिलरली क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग बताइए ये कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में मेरा लाइन लाई कर रहा है, तो इसे मैं कैसे मेजर करूंगा, नॉर्थ से। अगर मुझे क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालना है तो इसे मैं कैसे मेजर करूंगा, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में मेरा रेड्यूस्ड बेरिंग, दैट इज क्वाड्रेंटल बेरिंग या फिर रेड्यूस्ड बेरिंग कुछ भी बोलो, ये मैं मेजर करूंगा। तो अभी मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सोचिए इसका वैल्यू मैं कैसे निकाल के दूं। मुझे एक बात पता है कि अगर यस यहां पर मेरा 0 डिग्री है, अगर यहां पर मेरा 90 डिग्री है, यहां पर 180 है, यहां पर 270, यहां पर 360, इसका मतलब क्या होता है देखो कि जब मैं यहां से मेजर करूंगा कोई भी बेरिंग तो यहां से लेकर पूरा एंगल यहां तक मुझे पता है क्या है, यस मुझे क्या पता है 360 डिग्री है सर, 360 डिग्री, यस। तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर इस पूरे 360 डिग्री में से मैं ये 300 डिग्री माइनस करता हूं, देखो अच्छे से देख लो पूरा 360 डिग्री कहां से कहां तक जा रहा है, देखो ये मेरा रेड लाइन पूरा यहां तक जाके एंड हो रहा है, तो इस पूरे 360 डिग्री में से अगर मैं ये 300 डिग्री माइनस करूंगा तो मैं बोल सकता हूं मुझे ये इतना पोर्शन आएगा, ये इतना पोर्शन आ जाएगा, यस फिर से डार्क ब्लैक कर रहा हूं मैं देखो थोड़ा, यस ये इतना पोर्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही। और यही क्या है मेरा क्वाड्रेंटल बेरिंग है, क्या क्या मैंने इस पूरे 360 डिग्री में से ये 300 डिग्री अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना पोर्शन बचता है, सिर्फ इतना पोर्शन बचता है, दैट इज माय रिड्यूस्ड बेरिंग, बिल्कुल सही। तो यहां पर आइए फॉर्मूला वाइज अगर मैं लिख के दूं तो क्या होगा मेरा फॉर्मूला रिड्यूस्ड बेरिंग के लिए, यस रिड्यूस्ड बेरिंग दैट इज आरबी विल बी इक्वल टू, यस आप लोग बता दो क्या होगा, 360 डिग्री यस माइनस WCB, बिल्कुल सही। कैसे देख लो, फिर से दिखा जाओ डायग्राम में, ये पूरा मेरा 360 डिग्री है सर्कल, यस तो ये 360 डिग्री में लिख देता हूं, माइनस WCB बोला है, WCB कितना है मेरा 300 डिग्री, तो यस यहां पर आइए मैं ये 300 डिग्री भी लिख देता हूं, ओके अब 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री करूंगा तो कैलसी की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है आंसर 60 डिग्री आता है, बिल्कुल सही, यस तो ये हो गया मेरा रेड्यूस्ड बेरिंग, बिल्कुल सही। नहीं क्यों नहीं, क्योंकि रेड्यूस्ड बेरिंग हमेशा हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम में, तो ये लाइन मेरा कौन से क्वाड्रेंट में है, हाँ मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में है, पर मैं उसे नाम कैसे देता हूँ, हम लोग नाम कैसे देंगे, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आइए आप लोगों को लिखना है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, और ये मेरा आंसर राइट आ जाएगा, कैसे राइट आ जाएगा, आइए देखते हैं क्या बोला था, 360 डिग्री माइनस WCB क्वाड्रेंट कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, 360 डिग्री माइनस WCB क्वाड्रेंट नॉर्थ वेस्ट, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया ये टेबल है ही, वापस एक बार स्टडी कर लीजिए, आपको इसका हर एक कंसेप्ट, चारों केसेस मैंने अच्छी तरीके से आपको विद डायग्राम यहाँ पर दिखा दिए हैं। आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे इसी के ऊपर, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, थैंक यू।
Thank you for watching our video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to our channel. For complete course, download the Ganesh Academy e-learning app right from the Play Store. For further updates, please hit the bell icon. Thank you.